और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे देश की सियासत की, जहां संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक नया नैरेटिव तैयार करने में जुटा है। इसका बहाना बना है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन। अधीर रंजन को सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्ष की गोलबंदी का एक नया चैप्टर खुल गया है। भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना बोलने देते हैं आपको। अधीर रंजन चौधरी, इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी, उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में तीन दिनों से जो चर्चा हुई, उनमें से दो दिनों में चर्चा में सबसे ज्यादा रहे अधीर रंजन चौधरी। वो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, पांचवी बार लोकसभा पहुंचे, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता है और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी फिर विवादों में हैं और वजह है लोकसभा से उनका सस्पेंड होना। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा कहा कि उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। सदन से अधीर रंजन चौधरी के बयान का विवादित हिस्सा भी हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म हो गई, लेकिन अधीर अब भी चर्चा में है। अधीर पर हुए एक्शन के खिलाफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया, फिर संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी भी शामिल है इस प्रदर्शन में। विपक्ष ने लोकसभा का बहिष्कार किया है, वॉकआउट किया है और अब संसद भवन परिसर के अंदर मार्च करते हुए जा रहे हैं अंबेडकर मूर्ति तक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।